बीते दिनों जहां बॉलीवुड स्टार अजय देवगन और कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप के बीच राष्ट्रीय भाषा को लेकर विवाद हुआ है, वहीं अब एक और ने बयान दिया है। जी हां, सोनू निगम ने एक इंटरव्यू में कहा है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और ये सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हो सकती है, पर राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है और संस्कृत और तमिल में एक बहस भी है, पर लोग कहते हैं कि तमिल जो है पूरे विश्व में सबसे पुरानी भाषा है और हिंदी को लेकर इतना बड़ा विवाद नहीं होना चाहिए। आगे सोनू निगम जी का कहना है कि दूसरे देशों में भी काफी ज्यादा समस्याएं हैं, उन सबको सुलझाने की जरूरत है, ना कि अपने देश में समस्याएं खड़े करने की जरूरत है। यह सब बेकार की कहते हैं, बेकार की बातें हैं। आगे सिंगर का कहना है कि हम पर निर्भर करता है कि हमें कौन सी भाषा बोलनी चाहिए, कौन सी नहीं बोलनी चाहिए, जिसका जो मन है वो भाषा बोले, क्योंकि कोर्ट में भी आजकल जजमेंट जो है इंग्लिश भाषा में दिए जाते हैं। आगे इन्होंने बातों को खत्म करते हुए कहा कि अब जो ये विवाद हो रहा है उसे खत्म करना चाहिए। आपकी क्या है राय, क्योंकि सोनू निगम ने कहा है कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।